आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लाइक मी, तो आप इस वीडियो से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप क्यूट, क्लासी, एक्सपेंसिव और रिच लग सकते हैं और हमें ज्यादा एक्सपेंड करने की भी नीड नहीं है। तो टोटल मैं आप लोग के साथ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसमें से 2 बोनस टिप्स भी होने वाली हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 7 टिप्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, उनके भी सब टिप्स है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहते, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड द बेल आइकन ऑल्सो। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आउटफिट, एंड आउटफिट में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स है। तो सबसे फर्स्ट हम बॉटम वेयर से बात करते हैं। तो गाइस अगर आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली ब्लू जीन्स परचेज कर सकते हैं, एक थोड़ी सी लाइट शेड में, एक हल्का सा डार्क शेड में। उसी को आप किसी भी टॉप वगैरह के साथ इजिली वेयर करोगे, आपका लुक बहुत इजिली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लाइक अगर आप उसके साथ टी शर्ट को वेयर करते हो तो आपका थोड़ा सा लुक सटल स्पोर्टी काइंड ऑफ हो जाएगा, वही अगर थोड़ी सी वन शोल्डर ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ आपने टॉप डालनी उसके साथ तो आपका लुक थोड़ा सा पार्टी वेयर काइंड ऑफ हो जाएगा, राइट। तो बॉटम वेयर में आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो 2 ही जीन्स परचेज कर लो, बट दोनों ही ब्रांडेड परचेज करो। आजकल 2000-3000 में इजिली ब्रांडेड जीन्स आपको मिल जाती है। मैं कुछ अच्छी अच्छी जीन्स का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ब्रांडेड जीन्स परचेज करते हो ना गाइस तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, वो आपका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही क्लासी, बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है, राइट। और 2K की अगर आप जीन्स परचेज करते हो तो गाइस आपकी इजिली 2-3-4 ईयर्स तक तो चली जानी है। लाइक जीन्स बहुत टाइम तक चलती है ब्रांडेड जो होती है। मेरी खुद के जीन्स में जो मैंने 8th क्लास में परचेज की थी अभी 7-8 साल बाद भी मैं उनको पहन सकती हूँ। लाइक मेरी जो वेस्ट साइज है वो 28 है और अभी तक 28 ही है, इसलिए मेरे इजिली चल जाती है कोई भी जीन्स। सो या तो आप कोई भी अच्छे बॉटम वेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे 1 या 2 ही परचेज करो लेकिन अच्छे परचेज करो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपर वेयर की। तो गाइस सबसे फर्स्ट तो मैटर करता है आपके आउटफिट का फैब्रिक क्या है। तो काफी लोग ना चमकीला काइंड ऑफ और ऐसा ले लेते हो, सीक्वेंस वर्क कभी कभी अच्छा लगता है बट नॉट ऑल द टाइम, और उस चीज को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। लाइक आपने एक ड्रेस परचेज कर लिया, टॉप परचेज कर ली फॉर एग्जाम्पल, आप 1-2 बार पहनोगे उसके बाद आप खुद बोर हो जाओगे, राइट। और इतना ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज होते हैं कि आप ना पसंद ही नहीं करोगे उन्हें, राइट। तो ऐसा फैब्रिक लो जो हमेशा अच्छा लगे, आप उसे कभी भी किसी भी टाइम पहन सकते हो। लाइक सेटिन फिनिश का ले लो, कॉटन फिनिश जैसे कि अभी मैंने लिया हुआ है, तो कॉटन फिनिश में ले लो, सेटिन फिनिश में ले लो, थोड़ा सा वेलवेटी काइंड ऑफ टेक्सचर ले लो। तो ऐसे जो फैब्रिक होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, सेटिन हल्का सा महंगा आता है, बट उसी में थोड़ा सा इस टाइप का मिक्स फैब्रिक ले लीजिए जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और लुक भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फैब्रिक हमेशा अच्छा चूज करिए। उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं कलर ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो कलर हमेशा आप न्यूट्रल कलर की तरफ चाहिए, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, बेसिक ब्लैक में आप इन्वेस्ट करिए, जैसे कि ये टैंक टॉप है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस टैंक टॉप को मैंने बहुत तरीकों से यूटिलाइज किया हुआ है, मैंने इसको एज अ ब्लाउज यूज किया हुआ है बहुत तरीकों से, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाली शीन से थी, थोड़ी सी वेलवेटी फिनिश में है, ऐसी सेम H&M की भी आती है। तो आप बेसिक टैंक टॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 या 2 कलर में आप परचेज कर लो, एंड यू गुड टू गो। बेसिक टी शर्ट परचेज कर लो, ठीक है, नॉर्मली अलग अलग कलर के भी टॉप्स परचेज करो, बट बेसिक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करो बिकॉज बेसिक्स को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बहुत तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिक में आप अच्छे में इन्वेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनरवेयर। तो इनरवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर आपका साइज का इनरवेयर नहीं है, आपने थोड़ा सा लूज पहना है या फिर थोड़ा सा टाइट पहना है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अपडप टाइप लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा जो इनरवेयर हो वो अपने साइज का ही होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, समझ गए होगे आप, राइट। और कलर हमेशा इनरवेयर में चूज करें तो न्यूड कलर ही परचेज करें, न्यूड कलर बहुत ही सही रहते हैं क्योंकि आप किसी भी आउटफिट साथ इजिली पहन सकते हो, राइट। तो 2-3 न्यूड पेयर परचेज कर लो। ऐसे गाइस हमने बात करी फैब्रिक की, कैसा टाइप का फैब्रिक ले सकते हैं जो कि अच्छा लगेगा। हमने कलर की भी बात करी कि कौन कौन से कलर्स आप चूज कर सकते हैं। वैसे आप कलरफुल अगर है, बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी है, तो आप कलरफुल भी परचेज कर सकते हैं, नो डाउट, बट बेसिक्स भी होने चाहिए आपके पास। लाइक व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टैंक टॉप, ब्लैक टैंक टॉप, ये बेसिक है, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। एक डेनिम जैकेट आपके पास हमेशा होनी चाहिए बिकॉज उसको आप बहुत तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। एक अच्छी सी एक्सपेंसिव डेनिम जैकेट ले लो, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आएगी बट अच्छे ब्रांड की ले लो, तो आप उसको बहुत तरीकों से स्टाइल कर पाओगे, राइट। अच्छी टी शर्ट्स में इन्वेस्ट कर दो, लाइक H&M वगैरह से 2 मिल जाती है आजकल, तो 799 समथिंग की ऑफर मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो भी आप पहने हो वो फिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लूज ढीला ढाला। अभी जो मैंने पहना हुआ है ये बिल्कुल फिटेड है, आप देख सकते हो कि मेरे बॉडी में अच्छे से फिट हो गया है। तो अगर फिटेड भी नहीं आता, आप ऑनलाइन परचेज करते हो, हल्का फुल्का काफी बार लूज भी आ जाता है, तो उसको आप स्टिच करवा लीजिए अपने साइज के अकॉर्डिंग, बट हमेशा फिटेड पहनना चाहिए। लूज अगर आप पहनते हो ना तो फिर वो लुक आपका अच्छा नहीं लगता, वहीं अगर आप फिटेड पहनते हो आपका बॉडी शेप अच्छे से दिखता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। मैं काफी अपनी पिक्स इंसर्ट कर दूंगी जिसमें मैंने फिटेड पहना हुआ है एंड जिसमें मैंने लूज पहना हुआ है, तो आप खुद कंपैरिजन करके देख लेना कि कितना डिफरेंस आ जाता है, राइट। सो बेसिकली आपको फिटेड पहनना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आउटफिट में ही, कि आपका जो भी आउटफिट हो वो अच्छे से वॉश होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। पोरापो एकदम देखते हैं 10 रुपए का, तो वो आप यूज कर सकते हैं, बट अच्छे से वॉश होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई भी आउटफिट पहना हुआ है और वो आयरन भी नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा डर्टी है, तो उससे आपका लुक बहुत ही चीप लगता है, ठीक है। चाहे वो आपका आउटफिट कितना ही क्यों ना कॉस्टली हो, बट वो ऐसा लगेगा कि बहुत ही चीप सा आउटफिट है। वहीं अगर आपका सस्ता सा कोई आउटफिट हो, उसको आपने अच्छे से चमका रखा हो, तो वो आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो हमेशा 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 ये याद रखें कि आपके जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो आयरन हो प्लस वॉश्ड भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मैं बताने वाली हूँ और इसको कभी भी मिस मत करना, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने आउटफिट को लाइक पुट टुगेदर दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि ये कहाँ से ले लिया इस बंदी ने, ये कहाँ से पहन लिया, पूरा तो इसका लुक ही अलग सा लग रहा है, लाइक अलग कलर का ऊपर का पहना हुआ, नीचे का पहना हुआ, शूज बहुत ही डिफरेंट पहनिए, तो ऐसा आपने नहीं करना है। नॉर्मली कुछ तो ऐसा करो जिससे कि आपका आउटफिट जो है पुट टुगेदर लगे, मैचिंग लगे कुछ तो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने बेल्ट पहना हुआ है, बेल्ट और बैग बहुत इंपॉर्टेंस निभाते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगी। तो अगर आपने कोई भी बेल्ट पहना हुआ है वो आप मैच कर सकते हो अपने बैग के साथ, तो आपका लुक थोड़ा सा पुट टुगेदर लगेगा। अब अगर आपने कोई भी बैग है आपके पास, ठीक है, और बैग को आप मैच कर सकते हो अपने शूज के साथ, तो आपका लुक थोड़ा सा पुट टुगेदर लगेगा, राइट। तो ऐसा आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो अपने आउटफिट में, कुछ तो मैच करो एटलीस्ट, जिससे कि आपका लुक थोड़ा सा मैच ही थोड़ा अच्छा लगे, और थोड़ा सा ना वो एक्सपेंसिव लुक लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो कि आपको आउटफिट में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे शूज की तरफ, कि आपको किस तरह के शूज परचेज करने चाहिए। नेक्स्ट थोड़ी सुनाती हूँ इसी चीज से रिलेटेड। तो मेरा 12th क्लास का फेयरवेल था एंड फेयरवेल में मैंने ब्लू साड़ी पहनी थी, तो उससे मैचिंग का ही मेरे को हील्स भी चाहिए था। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे हील्स चाहिए, तो पापा ने कैटवॉक की हील्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव आती है, कैटवॉक अच्छी आती है, मतलब ब्रांडेड दिलाती, ठीक है, उस टाइम पहनी फेयरवेल के टाइम। और उसको ट्रस्ट मी गाइस अभी तक मैं कभी नहीं पहन पाई, क्योंकि वो ब्लू कलर की और मेरे को इतना अच्छा भी नहीं लगता कि किसके साथ इसको मैच करूं। तो इसलिए आपको शूज में ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ये मत सोचो कि ये भी परचेज करूं ये भी परचेज करूं, नो। आप एक व्हाइट पेयर परचेज कर लो, एक ब्लैक पेयर परचेज करो, और हर लड़की के पास एक हील तो होनी चाहिए, ब्लैक ले लो, ब्लैक हील बहुत ही सही रहती है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ इजीली चल जाती है। उसके साथ साथ एक स्पोर्ट शूज भी होना चाहिए, जैसे कि कभी आपका मन कर रहा है तो आप जीन्स के साथ क्रॉप टॉप वेयर करते हो, उसके साथ स्पोर्ट शूज तो बहुत ही खास वाला लुक आपका लगता है। सो या गाइस, तो हमेशा ही तीन चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। अब इनमें ज्यादा आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पोर्ट शूज थोड़ा सा ब्रांडेड ले लीजिए, अगर आप नाइकी का परचेज करते हैं तो आपको 2 से 3 हजार तक का इजिली मिल जाता है एंड बहुत ही सही लगता है, ठीक है। तो मैं कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अप्रोक्स 2K 3K के बीच में आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हील्स आप गाइस इस तरह की परचेज कर सकते हैं, लेट मी शो यू, मैं कुछ पिक्स भी इंसर्ट करूंगी, ये आप देख सकते हो व्हाइट कलर की हैं, ये बहुत ही सही है, बहुत ही एक्सपेंसिव लगती हैं, और इनका जो प्राइस है जस्ट 899 समथिंग है, यहाँ पे मेंशन था, ओके 999 है, 1000 रुपीज है, लेकिन ये डिस्काउंटेड पे आपको मिल जाती है। डिस्काउंटेड प्राइस जो था इनका वो 799 899 अप्रोक्स, सब बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है, इनका क्वालिटी सुपर्ब है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव लगती है, राइट। तो आप इस टाइप की हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक व्हाइट पेयर आपके पास हो, हमारा बैग जो है हमारे आउटफिट से मैचिंग कम होना चाहिए, अगर हमने कुछ रेड डाला हुआ है टॉप, थोड़ा सा रेड बैग हो, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, इतने सारे बैग क्यों परचेज करना जब हमारा काम सिर्फ 2 बैग्स में हो सकता है, राइट। सो आपको 2 ही बैग परचेज करने, ज्यादा करना चाहो ये बिल्कुल आपकी श्रद्धा है, मैं रोक नहीं रही, ठीक है, ये आपके ऊपर है, बट मैं 2 ही आपको सजेस्ट करूंगी बेसिक बैग। एक आप परचेज कर सकते हो गाइस ब्लैक कलर में, जैसे कि मेरे पास ये है, कि मिनीजो से मैंने परचेज किया था एंड बहुत ही सही वाला इसका लुक आता है, मैं कुछ पिक्स भी इंसर्ट कर दूंगी मेरी, आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ मुझे 599 699 समथिंग का पड़ा था, और आप देख सकते हो कि कितना सही इसका लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक लगता है, ठीक है। तो अगर आपने ये ब्लैक पैर लिया हुआ है और ब्लैक ही हील्स है,
आपके एक्सेसरीज में भी कुछ ब्लैक टच है तो आपका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा, पुट टुगेदर लगेगा, तो इसलिए आप ब्लैक बैग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, अगर आप ऐसा नहीं परचेज करना चाहते तो इस टाइप से स्लिंग बैग परचेज कर सकते हो। ये H&M से है, ये 1500 समथिंग का है। ये मुझे अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे था तो मुझे गिफ्ट में मिला था, फ्रेंड ने गिफ्ट करा था। बहुत ही अच्छा लुक इसका भी लगता है, तो आप इस टाइप से भी इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आप बेसिक ब्लैक बैग में ही इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज इनको आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो और किसी भी आउटफिट के साथ इजिली चल जाते हैं। इसको आप इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ चला सकते हो। राइट, नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस एक अच्छे व्हाइट बैग में। ये लिनो पिरोस से है, यू कैन सी इसमें हल्का सा गोल्डन डिटेलिंग है, तो अगर मैंने कुछ गोल्डन कलर का कुछ भी इयरिंग डाला हुआ है और ये डाल लिया, मैंने ये बैग कैरी कर लिया तो बहुत ही सही वाला मेरा लुक आ जाता है। तो ये लिनो पिरोस है, इसका साइज थोड़ा सा मैंने अच्छा खासा लिया, बिकॉज काफी बार ये होता है हमें कहीं जाना होता है वो बहुत कुछ बैग में मुझे डालना होता है, तो उसके लिए सही है। राइट, मेरे पास कलरफुल बैग्स भी है नो डाउट, बट मैं ज्यादातर तो ये वाला बैग कैरी करती हूँ, ब्लैक बैग कैरी करती हूँ, बिकॉज ये हर किसी आउटफिट के साथ इजिली चल जाते हैं, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अच्छे दो बैग में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप H&M से परचेज कर सकते हो, 1500 समथिंग के इजिली मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी गर्ल्स अवॉइड करती हैं, लाइक काफी गर्ल्स ऐसी हैं जो एक्सेसरीज पहनती नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं हम कूल लगेंगे, हम अच्छे लगेंगे, वो उनकी चॉइस है, टोटली उनकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोलती। बट अगर आप एक्सेसरीज को भी ऐड कर देते हो तो आपका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप परचेज कर सकते हो गाइस इस टाइप की कुछ रिंग्स, और आप परचेज कर सकते हो जैसे कि कोई भी ब्रेसलेट परचेज कर सकते हो, छोटू मोटू सा बहुत ही क्यूट लुक देता है। आप इस टाइप के हुप्स परचेज कर सकते हो, हुप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप हुप्स को परचेज करते हो तो आपको दोबारा से कुछ और चीज परचेज करने की मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी अगर आप मेरी तरह ज्वेलरी लवर हो तो आप चाहे कितने भी ज्वेलरी परचेज कर लो, मनी नहीं भरता, बट फिर भी हुप्स तो ऐसे हैं जिनको आप इजिली किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। कुछ पिक्स भी इंसर्ट कर दूंगी। तो आपके पास एक गाइस होना चाहिए बेसिक सिल्वर, ठीक है, देन एक आप परचेज कर सकते हो ब्लैक भी अगर आप चाहते हो, एंड एक गोल्डन कलर में। गोल्डन इतना अच्छा नहीं लगता, बट सिल्वर एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको कुछ पार्टी में जाना है, पार्टी वेयर काइंड ऑफ कुछ आउटफिट आपने बनाना है, तो उसमें आप इस टाइप के थोड़ा डिटेलिंग वाले हुप्स परचेज कर सकते हो, और ये हुप्स आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक लगता है। तो आप ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, हुप्स परचेज कर लो, एंड हुप्स आपको इजिली 50 रुपीज समथिंग में मिल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा ज्वेलरी मिनिमल रखो, ज्यादा भर के मत रखो, ठीक है, तो आपका लुक बहुत अच्छा लगता है। हाँ, काफी लोगों को बड़े बड़े झुमके पहनना पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो वो ठीक है पहन सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने झुमके भी पहन लिया, फिर गले में भी पहन लिया, इनर के साथ ठीक है, लहंगा वगैरह के साथ ठीक है, बट नॉर्मली अगर आपने कुछ इस टाइप का आउटफिट पहना हुआ है तो उसके साथ फिर आपने नेक में भी कुछ डाल लिया, इयरिंग्स भी पहन लिए हैवी से, तो फिर आपका लुक ऐसा लगेगा कि अरे क्या है, इसमें तो पूरी ज्वेलरी की दुकान बन चुकी है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप ज्वेलरी में जैसे कि आप इयरिंग्स डालें तो आप नेक पीस को अवॉइड कर सकते हो, डालना भी तो पतली से बिल्कुल थिन चेन आप पहन सकते हो। राइट, अगर आपने हैवी थोड़ा सा नेक पीस स्टेटमेंट ज्वेलरी कुछ डाला हुआ है तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो इयरिंग्स को, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, बल्कि ज्वेलरी हमेशा अवॉइड करो, ये नहीं कि बस आपकी ज्वेलरी ज्वेलरी चमक रही हो, तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि आप किस टाइप की ज्वेलरी परचेज कर सकते हो जो कि हर आउटफिट के साथ इजिली चली जाएगी। और ज्वेलरी गाइज आप सिल्वर एंड गोल्डन कलर में ही परचेज करोगे तो बेटर है, जैसे कि मेरी गोल्डन रिंग है, देन ये नेक पीस भी मेरा गोल्डन है, तो मैं इसको किसी के साथ पहन सकती हूँ, तो इसमें मेंशन है बेबी गर्ल, बहुत ही अच्छा वाला ही लगता है, बहुत ही क्लासी लुक देता है। सो या यू कैन सी, तो किसी भी आउटफिट तक इजिली चल जाता है, लाइक आपने कुछ हाई नेक पहना हुआ है तो उसके साथ इस टाइप की चेन्स ना पतली पतली जो होती है बहुत ही अच्छा लुक देती है, और आपको कुछ और ज्वेलरी ऐड करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा लगता है आपका लुक। ओके, नेक्स्ट गाइस आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रही है लेयर्ड चेन, तो आप लेयर चेन भी पहन सकते हो। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कुछ चेन्स के जो कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, तो आप परचेज कर लीजिएगा जो भी आप परचेज कर लेंगे इस टाइप से। This one is from Shein, so you can see, right? बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि है गाइस मेकअप। अब मेकअप आपको कैसा करना चाहिए जिससे कि आप थोड़े से क्लासी, क्यूट, स्मार्ट, एक्सपेंसिव लगे, तो गाइस मेकअप हमेशा आपको मिनिमल रखना है, लाइक बहुत हैवी मेकअप नहीं करना, बहुत ही कलरफुल आई शेडोज नहीं करनी है, कभी कभी के लिए ठीक है, बट ये नहीं कि आप हमेशा कलरफुल लुक क्रिएट करने की कोशिश करें, एंड कलरफुल हमेशा अच्छा भी नहीं लगता, तो बेसिक की तरफ ज्यादा जाए। बेसिक मेकअप तो हर किसी को आना ही चाहिए, लाइक हम नॉर्मली न्यूड मेकअप लुक रखें,
जैसे कि मैंने अभी पिंक लिपस्टिक अप्लाई किया बिकॉज मेरा जो आउटफिट का कलर है व्हाइट है, तो व्हाइट के साथ पिंक बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मैंने ब्लैक डाला हुआ है तो उसके साथ न्यू लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बेसिक मेकअप करिए जैसे मैंने अभी किया हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं है। आई शेडो आप देख सकते हो, कोई ज्यादा भर के मेकअप लुक नहीं किया। लाइनर बस आपको लगाना है, मस्कारा अप्लाई करना है, आईब्रो फिल करनी है, लिपस्टिक अप्लाई करनी है, थोड़ा सा चीक टिंट अप्लाई कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर आपके फेस पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो हल्का सा कंसीलर या फिर फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन आपको ज्यादा हैवी कवरेज का नहीं यूज करना है, थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग ही यूज करना है और एग्जैक्ट शेड मैच करता हुआ हो। कभी भी गाइस ये नहीं कि आपने कोई भी ऐसा शेड परचेज कर लिया जो कि आपके फेस को बहुत ही व्हाइट या बहुत ही ग्रे दिखा रहा है, तो आपको हमेशा एग्जैक्ट शेड ही परचेज करना है, उससे आपका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेकअप आप हमेशा मिनिमल रखें। हाँ, आप कलरफुल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा लुक क्रिएट करना है। अगर आप मेकअप में प्रो है तो आप कैसा लुक, अब तक वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको दो बोनस टिप तो देनी बनती ही है। तो फर्स्ट बोनस टिप गाइस ये है कि काफी लोग वॉच को अवॉइड करते हैं, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स वॉच नहीं पहनते थे। हाँ, जब से पहनने लगे तब से उनको एडिक्शन हो चुकी है वॉच पहनने की, बिकॉज वॉच बहुत ही अच्छा लुक आपका लुक को ना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। वॉच आपका लुक बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है, चाहे आपने वॉच कितनी भी लोकल या कितनी भी कैसी भी पहनी हुई हो, डजंट मैटर, बट अगर आपके हाथ में वॉच है तो आपका लुक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छा लगता है। राइट, जैसे कि आप कोई भी वॉच परचेज कर सकते हैं। मैं हमेशा वॉच पहनती हूँ, अगर मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबरों को पता होगा कि मैं हमेशा वॉच पहनती हूँ, मेरे को वॉच पहनने का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो हमेशा वॉच पहने बिकॉज वॉच से थोड़ा सा आपका लुक एक्सपेंसिव क्लासी लगता है। सो या वॉच को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट बोनस टिप थी। नेक्स्ट बोनस टिप ये है कि गाइस हमेशा बेल्ट भी पहने, बेल्ट से भी लुक बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद बेल्ट को अवॉइड करती थी, लेकिन जब से मैं बेल्ट को पहनने लगी तो अब से बेल्ट से भी लुक बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपको ज्यादा कलर की बेल्ट लेने की नीड नहीं है, आप ले सकते हैं, सिर्फ दो बेल्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिक फर्स्ट ऐसा बेल्ट ले लीजिए जो कि गोल्डन बकल में हो, लाइक दिस। This is one is from Nino Piroz. मैं इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा सा थिन है ये वाला, ठीक है, गोल्डन बकल के साथ है। एंड सेकेंड आप सिल्वर बकल में ले सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने चेज किया था शीन से गाइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बट डोंट वरी, मैं आपको सिमिलर बेल्ट के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप परचेज कर सकते हो। तो बेल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंस निभाता है, और ये बेल्ट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइक 200-300 में आपको मिल जाएंगे ना, आपका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बेल्ट अगर आप नहीं पहनते तो पहनना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है अपने लुक में। सो यस, सो गाइस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आपको ऐसी सिमिलर वीडियोस और भी देखनी है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरी फर्स्ट स्टाइलिंग वीडियो थी, सो हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई हो, बट जैसा भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फीडबैक हो तो भी आप दे सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सो या गाइस, चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।